नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी सीएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पूर्व मंत्री रहे बेटे सुधाकर सिंह वर्तमान में विधायक हैं। सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार के जो विभाग हैं, जो टेंडर कराते हैं, साथ ही नीतीश कुमार पर बड़ा गंभीर सवाल उठा दिया है। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा है कि 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ काम कर रही थी, नीतीश कुमार को अपने समर्थन से मुख्यमंत्री बनाकर रखी थी, तो बिहार में कहीं ना कहीं जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं उसके दोषी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और इसका सीधा जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कह दिया कि आने वाले समय में आप देखेंगे बहुत जल्द तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप उन्होंने जड़ दिया है। सुनिए सुधाकर कुमार सिंह क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में। खगड़िया के अगवानी घाट पर पुल गिरता है और पथ निर्माण विभाग के सचिव प्रति अमृत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं सभी राजनीतिक दल। मैं राजनीतिक दलों की बात को अगर छोड़ दें तो प्रधान सचिव पर क्यों सवाल होना चाहिए? प्रधान सचिव इंजीनियर नहीं होता। इंजीनियर जो डिजाइन किए हैं या जो निर्माण में संलग्न लोग हैं उन पर यह आरोप जाता है। अब सवाल ये है कि सिस्टम का फेलियर पर, तो सिस्टम के फेलियर पर तो हम लोग का कहना ही है कि पूरे बिहार में निर्माण के क्षेत्र में हो भ्रष्टाचार इस कदर है व्याप्त कि दूसरी बार पुल गिरा। पहली बार भी गिरा था जब हमारी सरकार नहीं थी राष्ट्रीय जनता दल की, तब हमारे नेता, हमारे विपक्ष के नेता और हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने सवाल किया था और आज भी है सवाल। तो ये प्रधान सचिव का मसला नहीं है, ये बिहार में इंजीनियरिंग विभाग में जो इस्टीमेट का लूट है, जिस तरह से इस्टीमेट ओवर इस्टीमेटिंग करना और एक संगठित लूट तंत्र को जिसने स्थापित किया, और इसमें सभी दोषी हैं। इसमें दोष किसी व्यक्ति पर क्यों चिन्हित किया जा रहा है? जो व्यक्ति इसमें दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है, अगर रिश्ता उनका है तो सभी लोग का फिर रिश्ता है, फिर मुख्यमंत्री का भी रिश्ता है, मुख्यमंत्री ने उनको अपॉइंट किया है, तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बच रहे हैं? तो ये तो बलि का बकरा ढूंढने जैसी विषय हुआ। विषय ये है कि यह टूटा है दूसरी बार और इससे पहले भी 2-3 पुल टूटे हैं बिहार में बड़े, तो क्या हुआ? हमारी जांच रिपोर्ट कहाँ है? हम क्या प्रिकॉशन लिया हम लोगों ने? हमने कोई स्ट्रैटेजी बदला नहीं। इसलिए नहीं बदला कि जो ये लंबे समय से ये दोषारोपण की राजनीति होती रही, तथ्यपरक तरीके से इसकी हम लोग जाँच करने का कोशिश नहीं किया कि मसला क्या है, दोषी कौन है, क्या दोषी पर कार्रवाई होगी। संपूर्ण सिस्टम फेल किया है, सरकार दोषी है, बिहार की सरकार में, सरकार में बैठे हुए लोग संपूर्ण रूप से सभी लोग इसमें दोषी हैं, कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। इसीलिए यह गहन अध्ययन होना चाहिए कि किसके स्तर पे सबसे बड़ा फेलियर है। जहाँ तक मेरी जानकारी है प्रधान सचिव कोई इंजीनियर नहीं होते कि उन पर यह दोषारोपण होना चाहिए। बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी मंत्रालय में काम को सही से नहीं होने देते हैं, तमाम मंत्रालय में उनका दबदबा है। उनका बीजेपी का आरोप सही है, लेकिन वह बीजेपी 18 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बना के रखी? तो दोषी कौन हुआ इसमें? भारतीय जनता पार्टी दोषी हुआ, बीजेपी दोषी हुआ जो 18 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार में बना के रखा। तो जो बनाने वाले लोग हैं वो दोषी हैं, बनने वाला दोषी नहीं। अगर उनकी क्षमता नहीं थी, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, अच्छे प्रशासक नहीं थे, जो आरोप है बीजेपी का, तो उस व्यक्ति को क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री बना के रखा? इसीलिए मैंने कहा संपूर्ण रूप से व्यवस्था फेल किया है। इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, दोषारोपण करने से नहीं काम चलेगा। इस बिहार की जनता का 1750 करोड़ रुपया इसमें डूबा है, ये सवाल सभी से होना चाहिए, पक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में। हम विधानसभा के भीतर बैठते हैं, हम भाषणों में शामिल होते हैं, हम कटौती प्रस्ताव में शामिल होते हैं, हम बजट पास करते हैं विधायिका के रूप में, हम संपूर्ण रूप से इस सिस्टम को फेल करने में हम सहभागी लोगों में से हैं, उसमें मैं भी एक आदमी हूँ। विपक्षी एकता की जो बैठक होने वाली थी वो बैठक स्थगित हो गई है, कांग्रेस अकेले पूरे हिंदुस्तान में 350 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो क्या तमाम जो और पार्टियाँ हैं वो लगभग 200 सीट पर तैयार होगी चुनाव लड़ने को? कोई कांग्रेस की तरफ से अधिकृत बयान आया है कि हम 350 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कौन नेता बयान दिया ये मैंने देखा नहीं, इसीलिए मैं उसको सर्टिफाई करना चाहता हूँ कि कांग्रेस का कौन नेता बयान दिया है जो कि 350 सीट पर लड़ना चाहता है।
कोई है बयान जिसको अधिक? नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों की एकजुट करने में लगे हुए थे, 12 जून को ये बैठक टल भी गई है, तो क्या नीतीश कुमार एकजुट कर पाएंगे विपक्ष? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सभी एकजुट हैं, नीतीश कुमार जी को अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। मेरे पहले से भी स्पष्ट मत थे कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट है। जो दल विपक्ष के एकजुटता से जो बाहर थे, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी भी थी, उनको शामिल होना है, कांग्रेस के नेतृत्व में शामिल हो जाना है, अनकंडीशनल जिसको बोलते हैं। इसमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, गठबंधन का कौन नेतृत्व करेगा, ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। और सभी को प्रयास करना होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उस प्रयास में नीतीश जी अगर कोई सहयोग देना चाहते हैं तो स्वागत है, अलग से प्रयास का कोई औचित्य नहीं। कांग्रेस ही विपक्ष की धुरी होगी और कांग्रेस के नेतृत्व में ही सभी लोगों को आगे बढ़ना होगा, सभी लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को त्यागना होगा। मुद्दों पर बहस होनी चाहिए कि किन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए कोई अगर बैठक होती है तो कांग्रेस को जरूर आमंत्रित करना चाहिए और राय लेनी चाहिए देश भर के विपक्ष के लोगों को कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे तो हम इस देश के जनता के सामने हम क्या मुद्दे पर जाएंगे। मुद्दे बड़े साफ हैं देश में, किसी को लगता है कि कुछ नए मुद्दे उसमें जोड़ने हैं तो उसका कांग्रेस को बुला करके स्वागत करना चाहिए, अन्यथा कोई औचित्य नहीं बैठक का। पटना क्यों? हमारे 30 राज्य हैं, 30 राजधानियां हैं, पटना क्यों? देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में बैठक होनी चाहिए, वहां पे सबको बुलाना चाहिए, कांग्रेस के नेतृत्व में बुलाना चाहिए और सभी लोग को अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए और उस राय के आधार पे जो मुद्दे उभर के आएंगे उन मुद्दों के आधार पे देश के सामने एक विकल्प के रूप में राजनीति खड़ा करना होगा। नहीं तो बिहार जैसा जो ये पुल ढह रहा है, सत्ता किसी की हो लेकिन पुल तो ढह रहे हैं। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी एकता आगे बढ़ेगी, लेकिन जदयू के तमाम नेता यह कहते नजर आते हैं कि नीतीश कुमार ही सबसे प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे। अब उनकी पार्टी जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं और उनके जो मतदाता हैं वो बिहार के भीतर हैं, देश के भीतर तो नहीं है। ये कोई चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री का नहीं है, यह देश के प्रधानमंत्री का सवाल है। उन कार्यकर्ताओं मतदाताओं से अपील है कि आप एक बृहत्तर भारत, बृहत्तर राजनीति के लिए, बृहत्तर राजनीति के लिए अपने चंद महत्वाकांक्षाएँ, जो छोटी महत्वाकांक्षाएँ हैं उसको त्यागना चाहिए और एक नज़ीर पेश करना चाहिए देश में कि नहीं, हम विपक्षी एकता हम बिना शर्तों पे किए थे। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के अलावा कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? क्या नीतीश कुमार ही उम्मीदवार हैं? आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि इस देश में 140 करोड़ आबादी है, मेरी राय में सैकड़ों लोग देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। एक नया ट्रेंड आया है कि कोई एक ही आदमी देश में प्रधानमंत्री बनने वाला है, हम उनके जैसे राय में हम सहमत नहीं हैं। विपक्ष के तौर से मैं दर्जनों लोग को नाम जानता हूं जो प्रधानमंत्री के योग्य काबिल लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी से बेहतर परिणाम देंगे देश की राजनीति। नीतीश जी भी उनमें से एक हैं। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज़।